Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve last sum of exercise 14.1, question number 9. Let us start the sum. The following table gives the literacy rate of 35 cities. Find the mean literacy rate. क्या find करना है? Mean literacy rate find करना है और उसके लिए हमारे पास table दिया हुआ है. अब जो टेबल आप लोग देख रहे हो एकदम सिंपल टेबल है बिकॉज सबकी क्लास लेंथ भी सेम है, क्लास लेंथ में भी कोई फर्क नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. लेकिन अगर आप इसका पुराना वीडियो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का, तो उसमें क्या था, क्लास लेंथ डिफरेंट थी जिसकी वजह से हम लोग को डायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ा था. लेकिन यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली किसका यूज करेंगे, तो हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड का यूज करेंगे. तो उस मेथड को यूज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं. तो लेट अस स्टार्ट द सम. तो आपके स्क्रीन पर एक टेबल आ गया होगा, देख लेते हैं टेबल बनाते कैसे है स्टेप डिविएशन का. तो ये जो क्लास है वो तो आप लोग को क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा. फिर आती है फ्रीक्वेंसी, वो भी आप लोग को क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा. अब हमेशा मीन सॉल्व करना है तो नेक्स्ट टेबल किसका आएगा, एक्सआई का आएगा. नेक्स्ट टेबल किसका आएगा, एक्सआई का. तो एक्सआई का टेबल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले अगर याद हो तो एक्सआई मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू. एक्सआई मतलब मिड वैल्यू, मतलब दोनों का प्लस करो, दोनों का प्लस करो, किसका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय. तो यहाँ पर अगर आप लोअर लिमिट देखते हो तो 45, अपर लिमिट देखते हो तो 55, दोनों का प्लस किया तो 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 50. तो ये कितना आ गया, 50. अब अगर यहाँ पर सबकी क्लास लेंथ सेम है तो कितने से सेम है, तो 10 10 का ही गैप है ना, सबके बीच में 10 का गैप है. तो xi के टेबल में भी 10 10 से बढ़ा दो, 10 10 से बढ़ा दो. तो ये 50 का 60, 60 का 70, 70 का 80, 80 का 90, ऐसा हो जाएगा. अब इतना होने के बाद आपको एक डाउट रहेगा, मैं वो भी क्लियर कर दूं कि सर ने ये मेथड की यूज नहीं की, दोनों का प्लस किया डिवाइड बाय टू करो, वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको सेम आंसर मिलेगा. लेकिन जितना हो सकता है आप टाइम सेविंग देखो, कहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हो. तो मुझे पता था कि 10-10 का गैप होगा, तो यहाँ पर जो मिड वैल्यू की जो वैल्यूज है वो भी उतने ही गैप से बढ़ती रहेगी. तो 10 का गैप था इसलिए मैंने सारी वैल्यूज को किससे इंक्रीज कर दिया, 10 से इंक्रीज कर दिया. अब पूरे xi के टेबल में से किसी को भी ए सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप किसको ए सिलेक्ट करते हो, जनरली हम लोग सेंटर वाले को करते हैं. तो मैंने ए सेंटर में ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 0 0. हमेशा नेक्स्ट टेबल ui का आता है और ui का ये वाला टेबल सेम ही रहता है, -1 -2 1 2, ये हमेशा सेम रहता है जब तक क्लास लेंथ सेम रहती है, जब तक क्लास लेंथ सेम रहती है. अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि लास्ट टेबल किसका होगा, fiui का. 10 × -1 कितना हो जाएगा, -10. 11 × 0 = 0. 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8. 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. बाकी हो गया सब. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. तो कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए देखो, +6 - 6 कट, तो क्या बचेगा, -8 - 10 और 8, तो -2 आ गया. इन शॉर्ट समेशन ऑफ fiui कितना आ गया, -2. सिमिलरली इसका समेशन करो, इसे भी फॉर्मूला में लिखना है. तो अगर इसका समेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 35. आप प्लस करके चेक कर लेना, इसका प्लस करना 35 आ जाएगा. अब मेरी एक हैबिट है, मैं जितने भी डेटाज होते हैं उसको साइट पर पहले लिख लेता हूँ, तो फॉर्मूला में इजीली हम लोग पुट कर सके. ए कितना लिया था, 70.
समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया था? -2। समेशन ऑफ एफ आई कितना आया था? 35। हाइट कितनी आई थी? 10। इन शॉर्ट सारे कैसे पता चला ये हाइट? तो ये देखो ये गैप बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का कितना है? 10। जितनी भी वैल्यूज आई है फॉर्मूला में रख दो, जितनी भी वैल्यूज आई है उसको फॉर्मूला में रख दो। तो फॉर्मूला में रखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्टेप डिविएशन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ए कितना है? 70। प्लस प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है? -2। समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 35। और एच कितना है? 10। नाउ ये क्या हो जाएगा? तो देखो 5 7 जा 5 7 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा। तो देखिए यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो -4/7। अब प्लस माइनस माइनस। अब देखो मैं एक डिवाइड करके दिखाता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग 4 को डिवाइड करोगे 7 से तो नहीं होगा, मतलब इनिशियली तो 0 आएगा और उसके बाद आप क्या लोगे? पॉइंट लोगे, तो पॉइंट आ जाएगा 40। राइट, तो 5 जा कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35। तो इधर बचेगा 5। नेक्स्ट आएगा आपका कितना? 7 7 जा 49। 7 49 तो ये कितना बचेगा? 1। पॉइंट है इसलिए मुझका 0 मिलता ही रहेगा। तो 7 1 जा 7, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मीन्स आप लोग के पास, देखो अगर मैंने बोला था कि आप लोग को 3 डिजिट तक जाना है तो हम 3 डिजिट तक तो चले गए। अब ये नंबर 5 से छोटा है 1, तो आगे वाले में तो कुछ प्लस करने का नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 5 7 को ही रख दिया, 5 7 को। अब अगर इसका माइनस करोगे 70 -0.57, आई होप माइनस आप लोग कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं है ये, तो कितना आ जाएगा? 69.43। कितना आ जाएगा? 69.43। तो हम लोग बोल सकते हैं दस द मीन लिटरेसी रेट इज 69.43%। आई होप आप लोग को ये सम क्लियर है। अगर आपको सम में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर आप मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग जगह से फेसबुक पर आप मेरे पेज पर मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ईमेल के थ्रू मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ज़रूर बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।